अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मेहरीन राहील मुनीर और आप लोग मुझे देख रहे हैं प्रोग्राम ईद मेले पे। टुडे वी हैव द फ्यूचर शेफ्स ऑफ आवर कंट्री विद अस और हमारे शो में दो खूबसूरत लड़कियाँ भी आएंगी। वन इज़ अ वेरी फेमस एक्टर एंड वन इज़ अ ब्यूटिफुल नाइटिंगेल, शी इज़ अ सिंगर। लेडीज एंड जेंटलमैन, खवातीनों हजरात, प्लीज़ वेलकम सुजान फातिमा एंड सहर गोल। ये हैप्पी ईद मुबारक। हमारे साथ दो खूबसूरत औरतें औरतें तो नहीं, यंग लेडीज़ मौजूद हैं। वन इज़ सुजान एंड वन इज़ सहर। सहर को तो आप जानते होंगे इनकी खूबसूरत आवाज़, और सुजान हु डजंट नो हर। अच्छा मुझे ये बताइए कि ईद के हवाले से, बड़ी ईद है और बड़ी ईद पे बहुत कुछ खाने, हर ईद पे बल्कि बहुत कुछ खाने को मिलता है, बट बड़ी ईद पे तो हम लोग गोश्त खा के बिल्कुल ही हलकान हो जाते हैं। तो कोई ऐसी मेमोरी जो हो आप शेयर करना चाहें जो कि हुई हो ईद पे विद आवर ऑडियंस? यार वैसे इतनी कोई मतलब मेमोरीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे वेट होता है जिस चीज़ का, वो ये होता है कि जब मेरी फ्रेंड्स आती हैं और हम बारबेक्यू करते हैं। और हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स तो होती हैं लेकिन फ्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, तो अच्छा। मज़ा आता है लेकिन बारबेक्यू वही होता है। एक बोटी आई, कोई बात नहीं, इसको रिपीट करेंगे अगले साल। आपने कभी गोश्त कुछ स्टेक के अलावा या कोई टिक्कों के अलावा कुछ ऐसा बनाया है जिसका मैं बताना चाहती हूँ? नहीं, मैंने हमेशा चिकन बनाया है। अच्छा, क्योंकि वो सबसे आसान है। बीफ मुश्किल होता है बनाना, पकता नहीं है। एग्जैक्टली। आर यू अ कुक? यस। व्हाट डू यू कुक? मैंने लाइक सब कुछ बनाया है, लाइक वेजिटेबल से लेके चिकन तक। नहीं सीरियसली, और आप चिकन में क्या, आपने कहा ना कि मैं चिकन तो अच्छा बनाती हूँ, पर मैं यखनी पुलाव बहुत अच्छा बनाती हूँ। यखनी पुलाव एक आर्ट होती है, जो मेरी नानी है उनकी यखनी पुलाव की रेसिपी जैसी रेसिपी मैंने ज़िंदगी में कहीं नहीं देखी, और बहुत टेक्निकल रेसिपी होती है, बड़े आराम से प्यार से बनाना होता है उसको। वरना यू नो ये हो सकता है कि चिकन टफ हो जाता है, चावल ज़्यादा गल जाते हैं। बिल्कुल, वेरी वेरी केयरफुल। हम लोग देखें हमारे शेफ्स क्या बना रहे हैं। आप बताएँ कि आप लोग ईद कैसे मनाते हैं? ईद आम लोग जैसे रैंडम लोग मनाते हैं, बारबेक्यू पार्टी वगैरह होती है, कुर्बानी वगैरह उससे पहले होती है, नाश्ता पूरी फैमिली का इकट्ठा होता है। चूल्हे के आगे खड़े होके आप खाना पकाते हैं, आप उन खाने वालों में से होते हैं? नहीं, पहले तो खाने वालों में ही होते थे, लेकिन जब से ये डिग्री चूज़ की है, प्रोफेशन चूज़ की है, तो अब खुद फरमाइशें आती हैं कि ये बना दो ये बना दो, आज क्या बना रहे हो। तो अम्मी जो हैं वो कहती हैं कि आप खाना बनाएं चाहे? अम्मी का तो नहीं चल जाता है कि नहीं अम्मी आप ही बनाएं, लेकिन दोस्तों में वो फिर जैसे फरमाइशें आती हैं कि शेफ साहब आज क्या खिला रहे हैं। तो क्या मेन्यू सेटिंग पहले से आप लोगों ने की होती है या इम्प्रॉम्प्टू उसी वक्त कहते हैं कि मैं बस? नहीं, वो इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से होती है कि जिस तरह मटन है या बीफ है उस हिसाब से फिर डिसाइड करते हैं कि यार चलो आज ये बना लेते हैं। आपने शेफ स्कूल क्यों चूज़ किया? शेफ स्कूल शौक था इस चीज़ का बचपन से, तो हम क्यों कहा गया कि क्यों ना इस करियर को परस्यू किया जाए। आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, जैसा कि मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। बेकिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी, यहाँ पे मैंने बेकिंग बहुत अच्छी सीखी। आपको जो चीज़ें सीखी हैं उसमें से आपको क्या लगता है कि ये चीज़ जो है मैंने बहुत अच्छी तरह सीखी और मैं आगे किसी को सिखाना चाहूँगी? बेकिंग ही। बेकिंग, और बेकिंग बहुत टेक्निकल होती है, मुश्किल है, मुश्किल इजी नहीं। कोई चीज़ इंग्रेडिएंट ऊपर नीचे हो जाए तो फिर केक जो है ना बिल्कुल पत्थर की तरह बन जाता है या बिल्कुल ही बैठ जाता है रोटी की तरह। आप बताइए कि आपने कॉसम क्यों ज्वाइन किया? बेसिकली मैं घर में कुकिंग बहुत ज़्यादा करता था, लेकिन मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि पाकिस्तान में ऐसा इंस्टीट्यूट है लाहौर में जो ये प्रोफेशनल कुकिंग का सिखाता है। बीइंग अ मैन इन आवर सोसाइटी और कमिंग फ्रॉम यू नो होम, आपके पेरेंट्स ने कोई ऑब्जेक्ट किया? स्टार्टिंग में थोड़ा सा किया था, पर लेकिन मुझे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है और मैं अभी से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपकी वालदा सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? बेकिंग में मेरी अम्मा केक बहुत अच्छे बनाती हैं और जो कप केक्स हैं तो वो उनकी बेस्ट रेसिपी है। वैसे मैं एक बात बताऊं, घर में माएँ जो हैं जो देसी खाना बनाती हैं वैसा खाना कोई भी नहीं बना सकता है। कुछ भी कर लो, मेरे घर में जो दाल बनती है अम्मी के घर में वैसी दाल मैंने ज़िंदगी में, और मेरी नानी के हाथ का जो खाना है
आई टेल यू मैंने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं खाया। अच्छा, कहा जाता है कि शेफ्स जो होते हैं वो खाना बहुत अच्छा बना लेते हैं लेकिन खुद बहुत बुरा खाना खाते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। आप जो हैं आप मुझे बताएं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, शेफ अपना बनाया हुआ खाना खुद भी खाते हैं और इवन जब तक वो खुद नहीं टेस्ट करते वो आगे सर्व नहीं कर सकते। वो खाते भी हैं, खाते सर नहीं, बट होता ये है ना कि अमूमन अपनी पकाई हुई चीज़ इंसान नहीं खाता, मेरा तजर्बा है, आप लोग फिर बता सकते हैं, बट अमूमन क्या होता है, क्या आप अपनी पकाई हुई चीज़ खुद खाते हैं या अम्मी आप लोगों के लिए बनाती हैं? ऑब्वियसली पेरेंट्स बनाते हैं लेकिन जबकि संडे को छुट्टी होती है इसलिए संडे को मदर की हेल्प करते हैं। तो अगर आपको अपनी वालदा के लिए अपनी फैमिली के लिए कुछ बनाना हो तो क्या कहेंगे, आपका फेवरेट क्या चीज़ है जो आप बनाते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ बिरयानी। बिरयानी, बिरयानी वैसे अच्छी बिरयानी जो है ना बहुत मुश्किल होती है बनानी। हर कोई नहीं बनाता, मसाला एवरीथिंग, कुछ चावल आपके जो है वो वाइट रह जाते हैं वो अलग से नजर आ रहे होते हैं। और ये बीफ बिहारी क्यों बना रहे हैं? बीफ बिहारी ईद उल अज़हा की स्पेशल डिश है और स्पेशल बनाई जाती है घरों में, ईद पे स्पेशली बनाई जाती है। आप बीफ बिहारी किस चीज़ के साथ सर्व करते हैं यूजुअली? इसको रोटी के साथ, गार्लिक नान के साथ, पराठा के साथ, पराठा रोल भी बना कर सर्व किया जाता है इसका। आज हम आपके लिए बना रहे हैं बीफ बिहारी बोटी। क्योंकि इसको मैरिनेशन को टाइम चाहिए होता है इसलिए हमने इसको मैरिनेट पहले कर लिया था और इसको 4 घंटे मैरिनेट करके रखा। अब हम स्क्वायर्स पे लगा रहे हैं, फिर हम इसको ग्रिलर पे ग्रिल करेंगे। अभी हमने ग्रिलर में डाल दिए, इसके साथ ही हम थोड़ा सा इसमें प्याज भी डालेंगे। अब हम इसको थोड़ी स्लो स्पीड पे कर देंगे ताकि बीफ अंदर तक टेंडर हो जाए। बीफ बिहारी बोटी ऑलमोस्ट रेडी है। आपके लिए ईद स्पेशल बीफ बिहारी बोटी तैयार है। अच्छा, नाउ कमिंग टू यू एंड द एक्टिंग पार्ट ऑफ यू, कोविड ने हम सबको बहुत बड़ा झटका दिया जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो एक स्टैंड स्टिल पे आई हुई है एज फार एज मीडिया इज कंसर्न्ड। आपने देखा होगा कि हमारे डिफरेंट चैनल्स के ऊपर फिल्म्स नहीं आ रही हैं, हम लोग सिनेमा घर बंद हो चुके हैं, प्रोग्राम नहीं आ रहे, कॉन्टेंट हरा पड़ा है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा क्योंकि SOPs कोई फॉलो नहीं कर रहा, आए दिन कोई ना कोई मुसीबत आई खड़ी होती है। आपकी क्या स्ट्रगल्स हैं, आपको क्या सामना करना पड़ा है, किस चीज़ को सामना? एज कम्पेयर अगर पहले की बात करें कोविड से तो मतलब बैक टू बैक आपके ड्रामे चल रहे हैं, बैक टू बैक शूट्स हो रही हैं, तो ऑब्वियसली जिस तरह मतलब हमारा मीडिया डिस्टर्ब हुआ है, बहुत सी और भी अगर देखे जाएँ तो स्कूल्स बंद हो गए, ऑफिसेज बंद हो गए, फूड एक्सपोर्ट बंद हो गया, तो फ़र्क तो पड़ा बहुत सारे लोग जो है जो एक्टिंग नहीं कर रहे, जो आपके जानने वाले वो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन बॉय क्या कर रहा है, स्पॉट बॉय क्या कर रहा है? जो मिडिल क्लास है उनके लिए बहुत स्ट्रगलिंग करनी पड़ी है, जो बिल्कुल ही नीचे है उनका तो बहुत ही बुरा हाल हुआ, लेकिन मैं ये नहीं बात करूँगी कि ऊपर वाले जो हैं उनके लिए कोई बुरा नहीं हुआ, बीच वालों के लिए नहीं, ओवरऑल सबके लिए बहुत बड़ा एक झटका लगा है। मैं अगर अपनी बात करूं जहां मैं 3 से 4 ड्रामे करती थी वहां पे मैं 1 पे आ गई। और अगर कोई जगह SOPs फॉलो ना कर रहा तो आप क्या किस तरह रिएक्ट करती हैं? मैं सबसे पहले तो सैनिटाइज कर दूंगी और फिर मास्क है सबसे पहले, क्योंकि बीच में क्या हुआ था कोविड जैसे ही अभी थोड़ा बहुत ख़त्म होना शुरू हो गया था शूट स्टार्ट हो गई थी, तो इनफैक्ट मैं लाहौर में ही थी तो लाहौर में ही मेरी शूट थी। अब जैसे सेट पर पहुँची हूँ तो किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ, मैंने कहा मतलब
शूट अगर स्टार्ट हो गई है तो उसका ये मतलब नहीं है कि SOPs पे हम लोगों ने फॉलो नहीं करना, ये कोविड चला गया है। अब जिस तरह मैं आज की बात करूँ, मैं जब आ रही थी तो मैंने अपना वो पूरा मास्क लगाया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक ना, तो मुझे कह रही हो तुम क्या खला में जा रही हो। मैंने कहा कहते इससे बेहतर है कि तुम वैक्सीनेशन करा लेती। मैंने कहा मैंने वैक्सीनेशन अपनी करवा ली है, लेकिन जब आप ट्रैवल करते हैं अच्छा बहुत सारे लोग लगवा भी नहीं रहे डर के मारे, सोच के कि हाँ हम लोग मर जाएंगे या हमें कुछ हो जाएगा। नहीं, मैं सबसे ये बिंजी करवाएं, हाँ एटलीस्ट आप बहुत सारी सेफ्टी से मतलब सेफ हो जाएंगे बहुत सारी चीज़ों से। तो आई थिंक हमें वैक्सीनेशन अपनी करवानी चाहिए, बिल्कुल। आई थिंक वी शुड ऑल बी सेफ। अच्छा, अब मैं यहाँ पर लाहौर में आई हूँ तो मैं बहुत अच्छा एक ईद का सीरियल कर रही हूँ, सुरीली मोहब्बत, सूरज बाबा ने लिखा है और बहुत मज़े का स्क्रिप्ट है। लाइक दो डिफरेंट कपल्स हैं और उनकी सस्पेंस है, वो भी अच्छा नहीं, वो फिर अभी फिल्म भी तो हाँ फिल्म भी इंशाल्लाह आ रही है, वो भी इत्तेफाक से कोविड से पहले ही सारा उसका शूट हो गया था, अब उसकी जस्ट डबिंग रह गई है। तो अब क्या हो रहा है, सिनेमास खुलेंगे घरों में हम जा नहीं पा रहे हैं, तो फिल्में क्या अब नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज हुई जा रही हैं? नहीं, नेटफ्लिक्स पे मुझे बताया ना कि हम लोग क्यों फिल्म बना, मतलब प्रोड्यूसर क्यों फिल्म बनाता है, अरे इन्वेस्ट करेंगे तो उनको एंटरटेन भी तो चाहिए। अब जब तक सिनेमाज में फिल्म नहीं लगेंगी, जब तक लोग जाके टिकट से अपने पैसे खरीद के फिल्म नहीं देखेंगे, आपको पता है नुकसान नहीं होगा। सिनेमाज में तो नहीं जा पा रहे, नहीं जा पा रहे, तो इसलिए बहुत सारी बंद कर दिया जाता है, सब कुछ बंद कर दिया। इनफैक्ट आज की अगर बात करें तो मैंने सुबह फिर न्यूज़ में देखा कि कोविड की जो एक क्वांटिटी है वो फिर बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है ना, लोग ये जो है हम अपने आप को इसी तरह महफूज रख सकते हैं कि बस ख्याल करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएं। अच्छा, बार बार जो न्यूज़ में बता रहे हैं, अक्सर अब तो जब कॉल किसी को करते हैं तो वो एक आवाज़ आती है कि हम इस पे हमें एहतियात करनी चाहिए, SOPs को फॉलो करें, तो हम लोग सुन लेते हैं लेकिन उस पे अमल नहीं कर रहे हैं। आई थिंक बिकॉज़ हमें करनी चाहिए, आ गए हुए हैं बेचारे, बेबस भी हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट भी हो चुके हैं, बिकॉज ज़िंदगी बहुत अजीब सी हो गई है। जिस तरह के हमारे बच्चे मैं आगे सोचती हूँ कि पहले कितनी आसानी से आके बच्चा जब भी दे दिया करता था अपने नानी नाना को, चाचा को, माँ बाप को, अब पीछे हटते हैं, अब हाथ मिलाने से पीछे हटते हैं, अब करीब आने से पीछे हटते हैं, अपनापन जो है किस कदर कम हो चुका है। इनफैक्ट मैं अगर अपनी एग्जांपल दूँ, जब कोविड शुरू हुआ था मतलब लॉकडाउन आई थिंक 18 मार्च को, तो इत्तेफाक से मैं US जा रही थी, अच्छा 15 को मैं यहाँ से चली गई, मुझे सब ने मुझे रोका मत जाओ क्योंकि लॉकडाउन लग रहा है। अब मुझे बताएं कि हमने आज तक कभी अपने नाना दादा से कभी नहीं सुना कि हाँ किसी ज़माने में लॉकडाउन हुआ था, सब कुछ बंद हो गया था, तो मैंने कहा कि लाइक ठीक है, एक एक कोई कुछ हुआ है ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। मैं स्टक हो गई वहाँ पे। अब मैं जब फ्लाइट्स क्योंकि सब कैंसिल हो गई थी, अब मैं जब वापस आई तो 2 दिन मैंने होटल में स्टे किया, तो ये वाली बात है ना कि आप जी कर लेते थे। अब मैं जैसे घर आई, मैंने अपना टेस्ट करवाया, नेगेटिव आया, लेकिन मैं जैसे घर पहुंची अम्मी मुझे मिलने लगी, मैंने कहा अम्मी नहीं मुझसे नहीं मिलना मैं एटलीस्ट, फिर भी आप क्योंकि होटल से यहाँ तक आने में और क्योंकि एज डिफरेंस है, तो मैंने कहा कि एहतियात करें, तो मैं उनसे 3 से 4 दिन नहीं मिली। मैंने अपने आप को देखा कि मुझे फ्लू तो नहीं हो रहा, मुझे फीवर टाइप का तो नहीं है, तो वो वाली बात है कि हम पहले जहाँ इतना कर लेते थे, अब वो डर लगता है कि हम किसी से हैंडशेक नहीं कर सकते। जो है ईद, ईद के दिन हम लोग इकट्ठे जब जब मर्द हजरात नमाज पढ़ा करते थे एक मैदान में, सारे बिल्कुल हर हर उम्र का शख्स सजदे में जब जाया करता था, इस कदर खूबसूरत लगता था। फिर जब वापस आते थे, कुर्बानी होती थी, मिलने मिलाने जाया करते थे। अब तो ईद, अब 4 लोगों में बैठ के एक सोफे पे वहाँ बैठे सोफे पे बैठा है गुजरती है, लेकिन अब भी हम लोग खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, सेहत सलामती दी है, और यू नो द थिंग इज़ के दिस इज़ अ वेक अप कॉल फॉर अस, कि ज़मीन हमें कह रही है कि बस कर दो, बस कर दो, एंड एहतियात करो, एहसास करो। एहसास जो है ना, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी फॉरगॉटन हाउ टू डू दैट। अच्छा, दूसरा ये है कि जो अब जब ये कोरोना आया है तो बहुत सारी चीज़ें निकली हैं कि लाइक कहते हैं कि आप
बार बार हैंड वॉश करें, बार बार अपने आप को सैनिटाइज करें। अब जो हमारा नमाज पढ़ने का है 5 वक्त का, उसमें जो वुजू होता है, कहते हैं नाक से आपके पूरा यहाँ तक पानी जाता है, आप अपना कुली करते हैं, हाथ में हैंड वॉश करते हैं, क्लेंज योरसेल्फ बेसिकली। तो ये बड़ा बेस्ट है, कहते हैं सुन्नत भी है, नमाज भी इसी तरीके से लोगों ने पढ़नी शुरू कर दी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो आप सैनिटाइज, वो मतलब अल्लाह के डर से नहीं, कोरोना के डर से, चलो कोई तो डर से तो फायदा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग स्लाइडर्स बना रहे हैं जी? आई लाइक स्लाइडर्स, दे आर माई फेवरेट। अगर स्लाइडर अच्छा बनाओ तो देर इज नथिंग लाइक यू नो फ्राइज एंड स्लाइडर्स एंड केचप एंड यम। वॉट आर द बेसिक इन्ग्रीडियंट्स यू आर यूजिंग फॉर द स्लाइडर्स? मीन्स बीफ, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर, चेडर चीज, मेल्टेड बटर, सेसमी सीड। वाओ। और आप इसको क्या कहते हैं, आई गोइंग टू स्मैश इट और जस्ट गोना बेसिकली ग्रिल इट? ग्रिल। आज हम बीफ पैटी बना रहे हैं, बीफ स्लाइडर। और बीफ पैटी के अंदर हमने 2 टेबलस्पून अनियन चॉप डाला था एंड गार्लिक पाउडर, सॉल्ट, पेपर। ये पैन में हमने 1/2 टेबल स्पून बटर ऐड किया। सेसमी बन है, हमने बेक किया था, अब इसके स्लाइस करेंगे। Sliders ready hain. So aap, you are a Pathan. Yeah. You look like a Pathan. A very pretty really? Pathan. So aap kahan se hain? Aapki family kidhar se hai? Mardan. Lekin main Islamabad born hu. अच्छा, लेकिन हाँ। आपकी जो मर्दान साइड ऑफ द फैमिली है, उन्होंने कहा नहीं कि ये क्या कर रही है बच्ची?
यार मुझे नहीं कहा बट मेरे पापा से काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह किए थे जिसको पापा ने काफ़ी फेस किया है. व्हाट अ ग्रेट मैन योर फादर इज. मेरा भाई नहीं है ना. तो मेरे पापा चाहते हैं कि जो मेरी चार बेटियां हैं वो अपने अपने पाँव पे खड़े हों, अपना नाम बनाएं कामयाब. ये देखिए जी, दिस इज कॉल्ड बीइंग अ स्ट्रांग मैन. बट आई एम रियली हैप्पी कि आपको आपके सबसे अजीज इंसान जिसको आपके वालिद उन्होंने सपोर्ट दी, क्योंकि अगर पेरेंट्स की सपोर्ट और रजामंदी किसी चीज़ में ना हो तो वो चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती. वो कामयाब होंगे. माँ बाप की दुआएं जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती हैं. बरकत रहती है. जिस तरह हमारे शेफ ने बताया कि घर से जब इन्होंने शुरू किया तो बहुत व्हाट इफ्स थे और नोज एंड बड़ा वो था, और अब जाके दे इनके पेरेंट्स जो हैं वो रजामंद हो गए, इन्होंने सपोर्ट किया और अब देखिए इनकी ज़िंदगी की लहर इनको कहाँ लेके जाती है. कहाँ लेके जाएगी जी आपका, क्या कब कीमा बनाएंगे, कीमे के साथ क्या सर्व करेंगे हमें? जो हम आज मटन तवा कीमा बनाएंगे उसके साथ आप पराठा सर्व कर सकते हैं, चपाती, गार्लिक नान, बटर नान, रोटी, रुमाली रोटी, जो आपको ठीक लगे. आप कीमे को स्मोक करते हैं? कैसे स्मोक करते हैं हमारे ऑडियंस को बताएं, जो के जानना चाहेगी कि घर पे हम लोग स्मोकी कीमा जैसे कहते हैं, धुनी वाला कीमा, वो कैसे खा सकते हैं? जब कीमा कुक हो जाए तब आप ऐसा करें, एक एलुमिनियम की या कोई भी कटोरी ले लें जो आप उसके ऊपर रख सकें कीमे के ऊपर, उसके अंदर एक कोयला रह दें, लेकिन वो प्लास्टर की ना हो ताकि वो जल जाएगी. उसके अंदर आप कोयला डाल के जो सुलगा हो पहले, मतलब कि चूल्हे के ऊपर आपने उसे बंद कर लिया हो, देन उसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ड्रिजल कर लें और उसके ऊपर आप लिड दे दें, उसका जितना स्मोक होगा वो सारा उसके अंदर शामिल हो जाएगा. और ये जो क्या कहते हैं स्मोक वाली चीज़ें होती हैं, इसमें दाल को भी मेरे ख्याल से दे सकते हैं और कौन सी चीज़ को दें तो उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा निकलता है? आप इसे सिंपल सैलमन को भी कर सकते हैं, आप दालों को भी कर सकते हैं, चिकन को, बीफ को, मटन को, इट्स अप टू यू. आप ईद पे कुकिंग करते हैं? क्या बनाते हैं फैमिली के लिए? बेसिकली जैसे कुर्बानी की ईद है तो उसमें गोश्त ही होता है, मटन हो गया है या बीफ हो गया है, तो वही रेसिपीज़ होती हैं. जैसे कोरमा बना सकते हैं, जैसे आज निहारी बनाई है ऐसे निहारी बनाते हैं, और ये सब चीज़ें. कोरमा इज़ एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट थिंग. अगर कोरमा अच्छा बना नथिंग बीट्स दैट. और कोरमा शीरमाल के साथ. हाँ शीरमाल हमारे यहाँ कराची में तो आई थिंक देर इज़ वन पर्टिकुलर प्लेस, वहाँ के शीरमाल बहुत मशहूर हैं. और ख़ास मेरी फैमिली जो कि जब कराची जाती है वहाँ से पान और शीरमाल ज़रूर लेके आती है. आज हम बना रहे हैं आपके लिए मटन तवा कीमा, जिसके लिए हमारे पास मटन है आधा किलो, प्याज, टमाटर, दही, अदरक लहसुन, हरी मिर्ची और धनिया. पहले हम एक पैन के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे, उसके ऊपर 2 से 3 चम्मच प्याज और इसे हल्का सा सौते करेंगे. जब ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगा तब हम इसके अंदर 2 चम्मच टमाटर ऐड कर देंगे और इसे सॉफ्ट होने तक भूनेंगे. जब ये हल्का सा नरम होना शुरू हो जाए तब हम इसमें गोश्त डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे आहिस्ता आहिस्ता भूनते रहेंगे. और इसी के साथ हम इसके अंदर हसबे ज़ायका नमक, चिली फ्लेक्स इसमें 1/2 टीस्पून, 1/4 टेबलस्पून हल्दी और चिली पाउडर, ये करके हम इसे मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि इसमें जो ब्लड है या कोई भी चीज़ है वो अच्छे से वो ख़त्म हो जाए, पक जाए. वो फ्लेम हम इसका मीडियम रखेंगे और इसे बस ऐसे चम्मच के साथ हिलाते रहेंगे ताकि अच्छे से ये कुक हो जाए. जैसे कि अब ये भुन चुकी है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी लगा के इसे कवर कर देंगे, इसे लिड दे के 5 से 8 मिनट के लिए बंद कर देंगे. अब हम उठा के इसे चेक करेंगे, ये देखें ये ड्राई हो रहा है. अब हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी
इसके साथ ज़ीरा, हमारे पास ये क्रश धनिया, ये करके इसे साथ साथ चलाते रहेंगे। और साथ ही हमें गेस्ट की तरफ से फरमाइश हुई थी कलेजी की, तो वो हमने साइड पे तैयार कर ली है। उसका तरीका ये है कि आपने कलेजी को अच्छे से वॉश करके उसको पानी में बॉईल करना है। उसके साथ आपने प्याज, अदरक, लहसुन, हल्दी, मिर्च, नमक और जो खड़े मसालों में से आप ज़ीरा डाल सकते हैं और धनिया डाल के आपने उसे अच्छे से बॉईल करने के लिए रख देना है। जब वो आपको लगे कि अच्छे से तैयार हो गई है, उसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो चुकी है, तब आपने उसको उठा के उसे अच्छे से पहले चेक करना है, उसे भूनना है थोड़ा सा, फिर उसके अंदर दही ऐड करके उसे छोड़ देना है। जब वो हल्का सा उसका मसाला तैयार हो जाएगा, देन आप उसके अंदर चिली फ्लेक्स और अगर बाद में अगर आपको गार्लिक और उसकी जो लहसुन है उसकी आपको ज़्यादा वो ठीक लगे तो आप उसमें वो ऐड करके और उसे छोड़ दें थोड़ी देर के लिए और भूनें। जब वो अच्छे से तैयार हो जाएगी, देन उसके अंदर जो गार्निशिंग है वो ऐड करके तो आपकी जो कलेजी है वो तैयार है। इस स्टेज पर आके आपने इसके अंदर जब भी हल्का सा ड्राई हो जाए तो उसके अंदर दही ऐड कर देना है, तकरीबन 3 to 4 tablespoons, और इसे अच्छे से मिक्स करके अब क्या हमारा जो कीमा है, तवा कीमा, वो तैयार हो चुका है। इसके अंदर हम थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर, चिलीज वो ऐड कर देंगे, मटन कीमा बनके तैयार है। और ये गेस्ट की फरमाइश पे कलेजी। आप मुझे बताइए कि अगर आप फास्ट फूड, अगर आपको फास्ट फूड का कहा जाए कि सुजैन आज जो है ना, आप जो भी खाएंगे आपको लगेगा नहीं, मतलब कैलोरीज जीरो कैलोरीज होंगी, तो आप किस तरफ जाएंगी? मैं जाऊंगी पूरी मील के साथ बर्गर। वाओ। और अच्छा, मैं टिपिकल बताऊँ, मुझे ना अंडे वाले बर्गर, दाल वाले बर्गर, वो मुझे इतने पसंद है, ज़्यादा केएफसी से पसंद है। हाँ, वो ज़्यादा उसके साथ चटनी, मिर्च चटनी के साथ, फ्राइज के साथ, हाँ कुछ भी। लेकिन आप अगर ट्रैवलिंग भी करते हैं ना मैरिन, तो आप 2 दिन खा लेंगे, 3 दिन आप मतलब कहीं हम, फिर वो कहते हैं तीसरी आपको चाहिए होता है, तो वो उसमें ये कि वो मैं खा लूँगी इसीलिए। अच्छा, एंड यू? यार अब आई एम ह्यूज फूडी पर्सन। अच्छा, यू आर? हाँ, मैं डाइट नहीं करती और मुझे मतलब कुछ भी मिल जाए ना मैं खा लेती हूँ। यू वन ऑफ द लकी पीपल। हाँ, जो हवा खा ले, कुछ भी नहीं है, हां नहीं है, दिस गोस थ्रू एंड थ्रू। मुझे लग रहा है अब मुझे लगना शुरू हो गया। अच्छा, सो आर यू वर्किंग आउट, डूइंग एनीथिंग? नहीं, जिम जाती हैं? नो, नहीं जाती हैं, साइकिलिंग करती हूँ मैं। साइकिलिंग इज बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट ऑफ एक्सरसाइज। माय डाइट, पता है मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती, मुझे पसंद ही नहीं है। मतलब एक होता ना कि आप जिम जा रहे हैं, अच्छा बीच में कितने लोगों ने शुरू कर दिया, अच्छा हम भी मतलब पिक्चर्स खींच के लगा देना, भले वो कुछ ना करें, मुझे वो बिल्कुल शौक नहीं है। हाँ, मैं घर पर मैं योगा कर लूँगी घर पर, या फिर अपनी डाइट कर लूँगी, या फिर सबसे बेस्ट है वॉक। आप करके छोड़ते हैं ना, फिर उसके बाद जो आपकी बॉडी का हाल होता है, मैंने लोगों को देखा है। अगर आप छोड़ के मतलब दुगना खाना शुरू कर दें, फिर तो बॉडी का हाल ही हाल हो गया है। बिल्कुल। आप एग्स बेनेडिक्ट बना रहे हैं, हॉलैंडेज सॉस जो है बहुत ट्रिकी होती है, कितनी दफ़ा आपने ख़राब की? हॉलैंडेज सॉस जो होता है वो बहुत ट्रिकी सॉस होता है, उसके अंदर आप जो एग्स डालते हैं उसको आपको बहुत विस्क करना पड़ता है, बहुत जल्दी जल्दी। अगर आप विस्क नहीं करेंगे तो वो स्प्लिट हो जाता है पूरा, जैसे हमारी क्रीम स्प्लिट हो जाती है ना, किस चीज़ में आप गरम गरम डालें तो वैसे वो स्प्लिट हो जाता है, इसलिए वो बहुत ट्रिकी होता है। उसके साथ आपको जब आप उसमें विनेगर या आप लेमन डालते हैं तो वो ज़्यादा सार भी हो जाता है, उसका एसिडिक कम हो जाता है, तो उसके लिए जो होता है आपको बहुत तेज़ी तेज़ी विस्क करना पड़ता है, आपका हाथ बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए उसके लिए। और इसके क्या क्या तरीके, आप एग्स बेनेडिक्ट को कैसे सर्व, किस किन चीज़ों के साथ सर्व, हमारे ऑडियंस को तो बताइए तो सही कि एग्स बेनेडिक्ट होते क्या हैं? एग बेनेडिक्ट में बेसिकली हम लोग एक सॉस यूज़ करते हैं जो हॉलैंडाइज सॉस होता है, साथ पोस्ट एग होता है और इंग्लिश मफिन रखते हैं उसके साथ। सबसे बेस में हम इंग्लिश मफिन रखते हैं, उसके ऊपर वैसे तो टर्की बेकन आता है, लेकिन क्योंकि हम लोग का ईद स्पेशल है तो हम उसमें बीफ के स्लाइसेज रखेंगे,
जो हमने सिर्फ हल्का सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट से मैरिनेट किया हुआ है। और उसके बाद हम पोस्ट एग बनाएंगे। पोस्ट एग बनाएंगे जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है बनाना, उसकी टेक्निक होती है बेसिकली, उसमें टेम्परेचर का बनाना होता है और वो बाहर सॉलिडिफाई होता है लेकिन अंदर से वो रनिंग योक होती है उसकी। और उसके अलावा जो हमारा हॉलिडे सॉस है वो हम एग योक से और आपके क्लेरिफाइड बटर से बनाते हैं। आज हम बना रहे हैं एग बेनेडिक्ट। एग बेनेडिक्ट के लिए हमारे पास एक हॉलिडे सॉस होता है, एक पोस्ट एग होता है और साथ हम उसमें अब हम ब्रेड यूज़ कर रहे हैं। एक सॉस पैन लेके उसमें इतना पानी डालें कि आपका जो बोल, जो भी बोल आप ले रहे हैं उसको नीचे से टच ना करें, ताकि जो उसका पानी है वो उसके अंदर ना लगे। अगर हीट और पानी ज़्यादा इस पर लगेगा तो आपका सॉस जो है वो स्प्लिट हो जाएगा, फट जाएगा। उसके अलावा पहले हॉलिडाई सॉस के लिए करते हैं, चीज़ें बता देती हूँ मैं आपको। ये क्लेरिफाइड बटर है, 3 अंडे, लेमन जूस, इसके अलावा हम सॉल्ट यूज़ करेंगे और कायन पेपर यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम हॉलिडाई सॉस स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसमें 3 अंडे जो हैं वो डाल रहे हैं, 1 टेबल स्पून लेमन जूस और 1/2 टेबल स्पून के करीब नमक डालेंगे। आप कम नमक डालें, बाद में अगर आपको लगे तो आप और डाल लीजिएगा। इसको हम अच्छी तरह पहले विस्क करेंगे। अच्छा, इसमें होता यह है कि एग बेनेडिक्ट में सबसे ज़्यादा आपको विस्क करना होता है। जितना ज़्यादा आप तेज़ विस्क करेंगे उतना अच्छा आपका बनेगा, उतना फ्लफी वो बनेगा। अगर आपने कहीं भी अपना छिलाना बंद कर दिया विस्क को तो आपका सारा जो एग होता है वो फट जाएगा, आपकी जो वॉल्यूम होगी एग की वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। जब वो वॉल्यूम डबल हो जाएगी तो हम उसको डबल बॉयलर पर रखेंगे और फिर उसमें 1-1 टेबल स्पून करके अपना बटर, क्लेरिफाइड बटर डालना शुरू करेंगे। देखें, अब ये रेज होना शुरू हो गया। जब ये थोड़ा सा आपको लगे कि अब ये रेज होना शुरू हो गया, इसके अंदर एयर आ गई है, तो हम इसमें क्लेरिफाइड बटर डालेंगे। आपने विस्क बिल्कुल रुकना नहीं है चाहिए आपका, और आप बस इसमें 1-1 टेबल स्पून करके डालते जाएं क्लेरिफाइड बटर। अगर बटर आपका सॉल्टेड है तो आप नमक नहीं डालें, नमक आप बाद में बिल्कुल एंड में जब सॉस बना लेंगे ना उस पर टेस्ट करके उसमें ऐड कर लीजिएगा। ज़्यादा हीट अगर उसको मिलेगी तो आपका फट जाएगा क्रीम। ऑलमोस्ट 10 टेबल स्पून आप बटर के डालिएगा। अगर आप देखें तो अब ये थिक होना शुरू हो गई है। अब इसमें हम एंड में थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे। और थोड़ी सी हम चॉप, आपके पास जो भी हर्ब पड़ी है, पार्सले है, धनिया है, जो भी आपके पास पड़ा है आप डाल दीजिए। सर, हम पार्सले यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास अवेलेबल थी। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें धनिया यूज़ कर सकते हैं चॉप करके। आपकी हॉलिडाई सॉस तैयार। अब हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ जाते हैं, जो है हम पोस्ट एग बनाएंगे। पोस्ट एग के लिए हमें 1 अंडा चाहिए, 7 विनेगर चाहिए और पानी चाहिए। तो पानी आपका ऐसा होना चाहिए कि हल्का हल्का उबलना शुरू हुआ हो। उसका टेम्परेचर 71-82 डिग्रीज होता है। अगर आपका थर्मामीटर तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं। हम अपने विस्क से पानी को हिलाते जाएंगे और हिलाते हुए हम उसमें अंडा डालेंगे। पहले हम विनेगर डालेंगे ताकि आपका अंडा फट ना जाए। थोड़ा सा विनेगर आपने डाला, अब आप इसके अंदर बहुत ही आहिस्ता से आराम से अंडा डाल दें। अब इसको 3 मिनट्स के लिए हम बंद कर देंगे। 3 मिनट्स बाद खोलेंगे तो ये हो जाएगा। जी, हमने बीफ के थिन स्लाइसेस करके रखे हुए हैं, सिर्फ इसको सॉल्ट और पेपर के अलावा और कुछ नहीं लगाया। अब हम सिर्फ पैन के अंदर जो है थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 2 टेबल स्पून। इसको हम पतले पतले स्लाइसेस को यूँ, अब हम अपनी प्लेटिंग करेंगे। सबसे पहले जो हमने ब्रेड को सेका था अपना स्टोव के ऊपर, उसके अंदर हल्का सा बटर लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे लेकिन हल्का सा बटर पूरे उसके ऊपर। उसके बाद हम इसके ऊपर जो हमने बीफ के स्लाइसेस किए हैं उनको सेट करेंगे। अब हमने जो पोस्ट एग बनाया है
वो इसके ऊपर सेंटर में रखेंगे, इसके ऊपर जो उसने सॉस बनाई है। जो उसके है उसके ऊपर और साथ हम अपनी प्लेट में भी थोड़ी सी ड्रिजल कर देंगे। और साथ हमने शुरू में पेपर कोई नहीं डाला था, तो हम अब कायन पेपर है वो लेने। आप इसकी जगह ब्लैक पेपर या वाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए हम पार्सले डालेंगे थोड़ा सा। ये हमारा एग बेनेडिक्ट हमारे ब्रेकफास्ट के लिए तैयार है बिल्कुल। सहर, या अपनी मीठी सी आवाज़ में को गाना तो सुना दें। डेफिनेटली मैं बोल का फारा सिंग करूँगी एंड आई वांट टू से समथिंग अबाउट दिस सॉन्ग। ये वैसे ओवरऑल तो 200 मिलियन क्रॉस किया है, लेकिन अभी रिसेंटली एक जो एक्सटेंडेड वर्जन है इसका उस पर 100 मिलियन क्रॉस किया है। एंड आई वांट टू से थैंक यू टू ऑल माय लिसनर्स जिनकी वजह से ये सुपर अनुभव मिला। और इसका जो इस गाने का जो खूबसूरती है वो इसके लिरिक्स है, बहुत डीपफुल है। अच्छा मैं पठान हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा लिरिक्स ना जो डीप मीनिंग वाले होते हैं वो थोड़ी मुश्किल से समझ आते हैं, बट इसके लिरिक्स इतने खूबसूरत हैं और इजी टू अंडरस्टैंड है कि जब भी आपने जब सिंग किया तो मुझे लग रहा था वो सब चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, तो ऑटोमेटिकली फील आई है। और इसका सारा क्रेडिट मेरे मेंटर और मेरे टीचर आसिम रजा सर को जाता है। सो हियर वी गो विद बोल का फारा। ओके तस्कीन दिल की खातिर तुम बिछड़ाते वक्त मुस्कुराते रहो ओ जाने वाले दूर जाते पलटे पलटे के नजर दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा तू बोल कफा क्या होगा मेरे दिल की दिल से तोबा मेरे दिल की दिल से तोबा मेरे दिल की तो इसको कह सकते हैं कि इसमें कोई चीज कंप्यूटराइज नहीं है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सुजैन, आप आई और हमारा शो इतना अच्छा हुआ। ईद मुबारक टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू। मुबारक टू यू नाइटिंगेल। Thank you for joining us on today's episode of Eid Mela. We had a great time. मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बातें करके, हमारे future chefs के साथ बातें करके. Lovely seeing you all after such a long time. Eid Mubarak. बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं.